हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में वेस्टर्न टॉप की कटिंग और स्टिचिंग कैसे करनी है वो देखेंगे। वुमन स्पेशल टॉप रहेगी ये। यहाँ पे मैंने जॉर्जेट का फैब्रिक लिया है, उस पर लाइनिंग है। तो ये मेरे पास लगभग 2.5 मीटर फैब्रिक है और लाइनिंग भी यहाँ पे लगभग मैंने 2 मीटर लिया है। और ये जो लाइनिंग है ये क्रेप का लाइनिंग है, व्हाइट कलर में। सबसे पहले हम जो हमारी लाइनिंग है, लाइनिंग का फैब्रिक, उसके ऊपर कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे जो भी फैब्रिक है लाइनिंग का, इसे मैंने डबल फोल्ड में रखा है। अब इसे हम फोर फोल्ड में करेंगे। को फोर फोल्ड में कर रखा है यहाँ पे। अब देखिए, अच्छे से इसे सेट कर लीजिए, कहीं पे भी फैब्रिक जो है मूव नहीं होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ से लेना है, सबसे पहले ऊपर की साइड से शोल्डर का मेजरमेंट लेना है। उससे पहले हम टॉप की लेंथ देखेंगे, टॉप की लेंथ जो है रेडी कितनी रखनी है। देखिए तो यहाँ पे टॉप की लेंथ जो है रेडी, यहाँ पे 25 इंच रेडी रखेंगे। तो 26 इंच पर मैं मार्क कर लूंगी और यहाँ से सीधी लाइन जो है ड्रॉ कर लूंगी। यहाँ पे लाइन जो है मैंने ड्रॉ कर ली है। उसके बाद ऊपर की साइड से आपको लेना है आपके शोल्डर का मेजरमेंट। शोल्डर जो भी है उसे डिवाइडेड बाय 2 कर लीजिए। तो देखिए, शोल्डर का पार्ट जो है यहाँ पे मैं 7 इंच पर मार्क कर लूंगी। 14 शोल्डर है तो 7 इंच पर मार्क कर लिया है। वही से सीधे नीचे आमोल के लिए 7 इंच पर मार्क कर लेंगे। देखिए तो ये हो गई हमारी आमोल लाइन, स्ट्रेट ड्रॉ कर लीजिए। लाइन जो है यहाँ पे ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ पे लेना है चेस्ट का मेजरमेंट। आपकी जो भी चेस्ट है उसे डिवाइडेड बाय 4 कर लीजिए। तो मैं 10 इंच पर मार्क कर लूंगी। चेस्ट है 14 इंचेस यूजिंग के साथ। तो देखिए, 10 इंच पर मार्क करते हुए लाइन जो है आगे एक्सटेंड कर लेंगे। बस इसमें हमें 1.5 टू 2 इंच की जो है मार्जिन लेनी है। तो ये हो गई हमारी फिटिंग की मार्किंग और ये हो गई मार्जिन की मार्किंग। देखिए, यही से सीधे नीचे हमें 7.5 इंच पर एक मार्क कर लेना है। यहाँ पे लेना है वेस्ट का मेजरमेंट। तो वेस्ट यहाँ पे लूजिंग के साथ, ये टॉप जो रहती है हमारी लूज रहती है, तो 9.5 इंच पर मैं मार्क कर लूंगी। टोटल वेस्ट जो है वो 36 इंचेस है, प्लस इसमें लूजिंग लिए हमने हाफ इंच की। तो ये हो गए मार्किंग वो। अब देखिए, बॉटम साइड में यहाँ पे लेना है आपके हिप का फोर्थ पार्ट। यहाँ पे हिप का फोर्थ पार्ट, हिप है 44 इंचेस डिवाइडेड बाय 4 करके 11 इंच पर मैं मार्क कर लूंगी हिप के लिए। अब इन पॉइंट्स को हमें सिंपली कनेक्ट कर लेना है। सबसे पहले देखिए, देखिए मार्जिन की भी मार्किंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें लेना है यहाँ पे आमोल के लिए मार्क। फ्रंट आमोल के लिए 1 इंच पर मार्क करेंगे, बैक आमोल के लिए 1.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। और यहाँ से स्केल की हेल्प से आपको आमोल का शेप जो है ड्रॉ कर लेना है। आप यहाँ पे फ्री हैंड भी कर सकते हो, लेकिन ये जो शेप है ये बहुत ही परफेक्टली आ जाता है। कहीं पे भी आपकी जो फिनिशिंग है वो कम ज्यादा नहीं होती, अच्छे से फिनिशिंग इसमें आ जाती है। तो आपको सिर्फ कर्व जो है फिक्स कर लेना है यहाँ पे अच्छे से। देखिए, ड्राफ्टिंग होने के बाद हमें नेक की ड्राफ्टिंग कर लेनी है। तो नेक के लिए 3.5 इंच पर मैं मार्क कर लूंगी। नेक की चौड़ाई 3.5 इंच ले रही हूँ मैं लगभग यहाँ पे, आप आपके अकॉर्डिंग ले सकते हो। 3.5 इंच पर मार्क करने के बाद नेक डिप कितना रखना है, तो फ्रंट नेक जो है वो डिप रखेंगे यहाँ पे 5.5 इंचेस। 6 इंचेस पर मार्क कर लिया है। हाफ इंच जो है शोल्डर साइड फिटिंग हो जाएगा और यहाँ पे बॉक्स जो है बना लेना है। बॉक्स बना लिया है। अब बैक नेक डिप कितना रखना है, तो बैक नेक के लिए यहाँ पे हम मार्क करेंगे लगभग 4.5 इंच से 5 इंच तक आप मार्क कर सकते हो। 5 इंच तक मैंने मार्क कर लिया है बैक नेक के लिए। अब यहाँ पे एक बॉक्स जो है और एक ड्रॉ कर लेंगे हम ऐसे। यहाँ पे नेक का पार्ट जो है हमने रेडी कर लिया है। अब देखिए, यहाँ से हमें छोटे छोटे नॉचेस जो है लगा लेने हैं ताकि ये फैब्रिक अच्छे से सीधी साइड टर्न हो जाए। देखिए, नेक पार्ट में और आमोल पार्ट में भी छोटे छोटे नॉचेस लगा लीजिए। लगा लिए है। अब हमें ये जो फैब्रिक है वो सीधी साइड टर्न कर लेना है। तो देखिए, ये ऐसे ही हमें जो हमारा दूसरा पार्ट है फ्रंट का, वो भी सीधी साइड टर्न कर लेना है। फ्रेंड्स, दोनों पार्ट जो है हमने सीधी साइड टर्न कर लिए है, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट। अब हमें टॉप स्टिचेस लगा लेने हैं नेक पार्ट के ऊपर, और वैसे ही जो आमोल पार्ट है दोनों, तो उसे हमें टॉप स्टिचेस जो है कर लेने हैं। फ्रंट और बैक दोनों नेक पार्ट जो है टॉप स्टिचेस करके रेडी कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, दोनों फैब्रिक जो है, दोनों मेन फैब्रिक आमने सामने रखने हैं ऐसे। और अब हमें शोल्डर की जो है फिटिंग कर लेनी है। शोल्डर टू शोल्डर मैच कर लीजिए अच्छे से और दोनों शोल्डर की जो है फिटिंग कर लेनी है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, टॉप की जो शोल्डर फिटिंग है वो हमने कर ली है और साइड से जो लाइनिंग का फैब्रिक है उसे भी हमने स्टिच कर लिया है। साथ ही साथ बॉटम साइड भी हमने यहाँ से डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर लिए है। अब यहाँ पे दो स्ट्रिप मैंने ली है स्लीव्स के लिए, आप देख सकते हो। तो ये स्लीव्स की जो लेंथ है या स्ट्रिप की लेंथ, यहाँ पे मैंने 18 इंचेस रखी है एक स्लीव्स की लेंथ। ऐसी दो स्ट्रिप है और स्ट्रिप की जो चौड़ाई है देखिए, वो लगभग यहाँ पे 5 इंचेस ली है हमने।
पहले तो हमें क्या करना है, एक जो साइड है स्लीव्स की, इसे ऐसे डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है, या फिर आप यहाँ पे पीको भी कर सकते हो। तो सबसे पहले इसे डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेना है, उसके बाद इसे सेंटर से फोल्ड कर लेना है ऐसे। तो ये जो साइड रहेगी वो सीधी रहेगी। सेंटर से एक बार फोल्ड कर लीजिए अच्छे से ऐसे। सेंटर की साइड से स्ट्रिप को फोल्ड कर लिया है और हाफ इंच यहाँ से फोल्ड कर लेंगे बॉटम साइड। अब देखिए यहाँ से हमें लगभग 2.5 इंच पर मार्क कर लेना है। देखिए 2.5 इंच पर मार्क कर लेंगे और यहाँ पे ये जो है निशान तिरछा जो है हमें यहाँ पे मिला लेना है, ये कुछ ऐसे। तो ये हो जाएगा हमारे स्लीव का जो है सेंटर हो जाएगा ये ऐसे। अब हम इस पार्ट को कट कर लेंगे। देखिए अब हम इसे कट करना स्टार्ट करेंगे, तो जैसे मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं कट कर लूंगी ऐसे। हल्का सा राउंड शेप दे दीजिए यहाँ पे अच्छे से। तो ये हो गई हमारी स्लीव्स की कटिंग। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसे एक बार फोल्ड करके स्टिच कर लेना है, उसके बाद ये जो साइड वाले पार्ट है इसे भी अंदर की साइड फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। दोनों साइड ऐसे ही दूसरी स्ट्रिप जो है रेडी कर लेनी है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे स्लीव जो है हमने रेडी कर लिए है और टॉप को यहाँ पे ऐसे रखा है। अब हमें क्या करना है, इंच टेप लेना है और साइड से जितनी भी फिटिंग के लिए मार्जिन छोड़ी थी उस पर एक मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने 2 इंच जो है मार्जिन रखी थी, तो सबसे पहले 2 इंच पर मार्क कर लेंगे ऐसे। तो यहाँ तक हमारी टॉप की फिटिंग हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, देखिए स्लीव की सीधी साइड और टॉप की सीधी साइड ये ऐसे रखनी है हमें आमने सामने ऐसे। अब हमें यहाँ पे छोटी छोटी प्लेट्स लेनी है, सेंटर पार्ट में ले लीजिए आप या पूरे जो ये जो स्लीव्स है इसमें भी आप छोटी छोटी प्लेट्स जो है ले सकते हो। तो देखिए यहाँ तक इसे ये जो स्लीव्स है हमें फिटिंग का मार्किंग छोड़ते हुए ऐसे लगानी है, यहाँ तक इतना पार्ट जो है ओपन रहेगा। देखिए यहाँ पे स्लीव्स जो है हमने अटैच कर ली है इस पार्ट में, और आप यहाँ पे देख सकते हो 2 इंच की मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ से हमने लगभग 2 इंच का पार्ट जो है ओपन रखा है। इस साइड से भी 2 इंच का जो पार्ट है हमने ओपन रखा है। अब दूसरी वाली स्लीव जो है वो हमें ज्वाइंट कर लेनी है। तीसरी वाली जो स्लीव्स है वो हमने ली है। अब इसे देखिए सेंटर की साइड से ऐसे रखना है, स्लीव्स का सेंटर और जो ये हमारा शोल्डर है उसका सेंटर मैच कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे सभी प्लेट्स का जो डायरेक्शन है एक ही साइड रहेगा, पीछे की साइड से आगे की साइड, जैसे हमने लिया है उस साइड उस स्लीव्स में वैसे ही छोटी छोटी प्लेट्स लेनी है। उसके बाद ये जो पार्ट हमारा ओपन रहेगा उसे भी हमें इस साइड ऐसे फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है। देखिए ऐसे स्लीव्स के पार्ट में ही अटैच कर लेना है। दोनों स्लीव्स यहाँ पे अटैच हो चुकी है। अब हमें टॉप को उल्टा रखना है और साइड से फिटिंग कर लेनी है। तो सबसे पहले टॉप को उल्टा रखेंगे ऐसे। फ्रेंड्स यहाँ पे मार्किंग कर ली है फिटिंग की, अब उसी के अकॉर्डिंग टॉप को फिटिंग कर लेंगे। अगर आप चाहे तो ये जो नीचे वाला बॉटम है उसमें आप इलास्टिक भी इंसर्ट कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे रेडी है ब्यूटीफुल डिजाइनर वेस्टर्न टॉप फॉर जीन्स। कैसा लगा आज का हमारा वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए गए हुए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।